हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वेट लॉस रेसिपी बताएंगे जो स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए होगा। काफ़ी हेल्दी है और नॉर्मल लोग भी इसे खा सकते हैं। हेल्थ के साथ ही ये बहुत ही टेस्टी भी होगा। इसके लिए हमने टमाटर लिए हैं और टमाटर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अंकुरित मूंग और चना 1 कप है। चना थोड़ा सा है, इसमें हाफ पत्ता गोभी हमने काटा है। डिल लीव्स हैं। टमाटर हरे हैं, आप लाल टमाटर भी डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक और इसमें 2.5 कप पानी हमने डाला है। 2.5 कप पानी डाल के पहले हम इसे थोड़ा सा गरम मसाला 1 चम्मच और 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालकर और नमक डालकर इसे हम बॉयल करेंगे। और घर में बचे हुए थोड़े से आटे से हम ये रेसिपी बनाएंगे। आपके पास अगर बचा हुआ आटा ना हो तो आप फ्रेश आटा गूंथ लीजिए। इसे हम एक सीटी दिला लेंगे। तब तक जो थोड़ा सा आटा हमारे पास बचा हुआ है, ये मिक्स आटा है, इसमें ज्वार बाजरा चना मक्का थोड़ा सा गेहूं मिला हुआ है, क्योंकि यही आटे शुगर पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। छोटी छोटी इसकी लोइयां बना लेंगे और लोई बना के आप चाहें तो इसकी छोटी पूड़ी बेल सकते हैं या हाथ से इस तरह से पतली पतली टिक्की बना लीजिए पूड़ी जैसी, और फिर इसको दोनों तरफ से मोड़ लीजिए। ये दो एक बार मोड़िए, फिर दूसरी बार दो मोड़ के भी बना सकते हैं। ए आए एक बार दोनों साइड से प्रेस करके देखिए, दाल ने एक सीटी देने के बाद ये गल गई है। और इसके बाद ये जो हमने फरे बनाए हैं यानी दाल का दूल्हा, इसे हम डाल देंगे इस दाल के अंदर। और थोड़ा सा मैं तुअर दाल 1/2 कटोरी ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं इसकी जगह मूंग उड़द और कोई भी दाल आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने के कारण ये जो बॉयल होगी हमारी खिचड़ी तो बिल्कुल ढक्कन पे नहीं आएगी, ना तो प्रेशर कुकर का ढक्कन खराब होगा। 2 सीटी दिला के हम इसे थोड़ी देर गैस निकलने देंगे। उसके बाद हमारा ये जो रेसिपी है ये पूरी तरह से तैयार हो गई। देखना है ना आप कितनी डिलीशियस लग रही है। आप चाहें तो इसमें तड़का लगा सकते हैं और ना चाहें तो बिना लगाए भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि अदरक वगैरह मैंने और गरम मसाले वाले डाल के इसे बॉयल किया था। इसमें हमने 1 से 1.5 गांठ लहसुन, 1 चम्मच जीरा और थोड़े से तेल से ये तड़का लगाया है। ऑलिव ऑयल से लगाया, आप चाहें तो घी से लगा सकते हैं। 2 हमने मिर्चें ली हैं जिसे फाड़ दिया है। लाल मिर्च हम अवॉइड करते हैं क्योंकि शुगर पेशेंट्स को लाल मिर्चें ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, क्योंकि शुगर पेशेंट्स की अक्सर बीपी भी हाई रहती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें रेसिपी हमेशा बनानी चाहिए कि काफ़ी हेल्दी हो साथ ही टेस्टी हो। वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल देते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, पर वो हेल्थ को काफ़ी नुकसान करता है। देखिए कितना टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रही है ये रेसिपी। इसके बाद हम थोड़ी सी धनिया, चॉप धनिया इसमें डाल देंगे, और आप चाहें तो इसे और टेस्टी बनाने के लिए 1 चम्मच घी डाल दीजिए। मैं अपने में घी नहीं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हम अपने बच्चे के लिए या अपने फैमिली के लिए बनाते हैं तो 1 चम्मच और घी डाल दे रहे हैं। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। थैंक यू, एक बार ज़रूर इसे इंजॉय कीजिएगा।